everyone, welcome you all all on on platform of We yeah, we are going to have a very special discussion based on the folk instruments. So guys, we all know और वो संगीत भी जब तक instrument नहीं हो बहुत अधूरा आज अगर सिंपल से इमेजिन करो मैं सिर्फ एक गाना गा के चली जाऊँ बिना किसी म्यूजिकल साउंड के तो बहुत अधूरा सा लगेगा ना तो इस पूरी दुनिया को पूरा करने वाले अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके में पढ़ते हैं और आ, कोशिश यही रहेगी कि आपको क्लास में याद हो जाए ज़्यादा कुछ नहीं इनसे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं आपसे पूछ रखा है कि किस तरह के वाद्य यंत्र आपके पूछे जाएंगे किस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपका ये है फॉलोइंग में से आपके कौन से घन वाद्य यंत्र हैं कौन से तथ्य हैं कौन से आपके अवनत हैं आपसे पूछा जा सकता है कौन से सुशीर वाद्य यंत्र हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से किस तरह के हैं so let's start our session guys but one request please share this session with your friends like the video also do subscribe to samyak civil services and samyak civil services in English YouTube channels so <coughs> topic for the day is musical instruments of Rajasthan आप Rajasthan के folk musical instruments में क्या क्या आते हैं ये सारे जो लिखे हुए ये आते हैं कि हम जो बने हुए हैं हाँ शायद शायद ये ही आते हैं नहीं 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 ये आते हैं इनके अलावा अब इनके नाम क्या क्या है वो पढ़ते हैं सो so, कैटेगराइजेशन की बात करते हैं जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कवर करेंगे एक चीज याद रखेंगे बेस्ड 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 ऑन 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 द द द साउंड साउंड दैट दैट दे दे प्रोड्यूस प्रोड्यूस एंड प्लेइंग पैटर्न किसी किसी को हाथ से बजाया जाता है ठीक है आपके हाथों के यूज से घट जो आपका हम कह सकते हैं कि किसी भी धातु के बने हुए होते हैं अब जैसे सपोज ये प्लास्टिक का है और ये भी प्लास्टिक का है प्लास्टिक इज अ धातु ठीक है एक तरह का मतलब हम ये नहीं कहेंगे मेटल है बट एक तरह के का आपका प्लास्टिक एक मटेरियल है जिसका ये बना है दिस इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड राइट सेम वे मेटल मेटल की कोई चीज है है सपोज तो मेटल भिड़ेगा तो भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है राइट सेम वे हम ये देखेंगे कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस किसी किसी को फूक देके बजाया जाता है वॉयलिन है गिटार है तारों से बचते हैं ठीक है ठीके? तो अभी अंडरस्टैंड करते हैं ये कौन कौन से हैं ठीक है ठीके? सबसे पहले आज की हम क्लास में घन वाद्य यंत्र पढ़ेंगे ठीक है घन कौन से हैं जो किसी भी धातु से बनते हैं किसी भी प्रकार की धातु से बनने वाले यंत्र को हम क्या कहेंगे घन वाद्य यंत्र किसी भी प्रकार के तार से बनते हैं वो कौन से होंगे तत वाद्य यंत्र तत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी तरह की फूंक देंगे हम चाहे उसमें पूपाड़ी हो चाहे फ्लूट हो बांसुरी हो भी हो आप वो आपके सुशील ठीक है समझ पा रहे हो घन वाद्य यंत्र तत्व सुशील वाद्य यंत्र समझ पा रहे हो अभी अवनद वाद्य यंत्र कौन से हैं अवनद वाद्य यंत्र कौन से हैं <coughs> हाँ जी वाद्य यंत्र कौन से हैं हाँ जी अवनद वाद्य यंत्र हो गए किसी भी मतलब वास्ट आवाज किसी भी एक ऐसी चीज से जिससे वास्ट आवाज निकल के किसको भिड़ाने से किसी को बजाने से वास्ट आवाज निकल के हो तो अवनद कैटेगरी के अंदर आएंगे तो घन Tat Sushir Avnat. I hope they are very clear to you. Now let's understand what all instruments are including in the घन वाद्य यंत्र। अच्छा एक चीज और आप लोगों को याद रखनी है कि इन वाद्य यंत्र की कैटेगराइजेशन पे क्वेश्चन किस तरह आता है तो आपको चार नाम लिख के दे देगा और बोलेगा कि घन तत्व सुशिर अवनत इनसे मैच करो एक तो ये कैटेगरी पूछी जा सकती है एक पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है

फर्स्ट खान म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज दिन कोरा कौन सा है भैया ये का अगर आप देखो तो मैं आपको एक बनाने की कोशिश करती हूँ मैंने फोटो ढूंढने की कोशिश की थी बट वो मिली नहीं मेरे को है न देखते हैं अगर बन पाता है तो दिस इज अंटी ठीक है एक तरह की घंटी है ये सोटा ये आयरन नेल से अटैच है ठीक है आयरन नेल से अटैच है और ये thread है. Thread है. और ये ये थ्रेड थ्रेड है 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 घंटी इसको किसी से ड्रम पे बजाया जाता है. मतलब यहाँ पे सपोज वो घंटी टकी हुई हो और मैं उसको टंग टंग ये जो आवाज आएगी दैट्स दैट्सोरा टंग से जो आवाज आएगी दैट्स ऑफ टिन ठीक है समझ में आ गया नेक्स्ट देखते हैं अक्सर मंदिरों में स्कूल्स में ये, ये यूज किया जाता है नेक्स्ट कम्स दी झालर झालर तो भैया आप समझते ही होंगे डंडा लटका हुआ होता है उस पर धागे से बंदी भी होती है ये टन 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 मंदिरों में भी बजाई जाती है आरती के टाइम पे स्कूलों में जब पीरियड ओवर होता है तो टन 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 बजाई जाती है है ना तो बस ये झालर होती है आपकी बेसिकली अगर हम देखें तो झालर का उपयोग एक स्पेशल इवेंट में होता है और झालर का किस में होता है जब भी आपने देखा होगा एक बैकुंटी निकलती है जिसको हम कहते हैं शव यात्रा शव यात्रा जब निकल रही होती है तो जो सबसे आगे चलता है मोस्ट प्रोबेबली वो पोता ही होता है आपका जो ग्रैंड चाइल्ड होता है अगर आपका ग्रैंड चाइल्ड नहीं है तो आपके घर का कोई ऐसा इंसान जो सबको बताएगा कि हाँ जी मेरे घर में जो थी अब क्या हो गई है एक डेथ हो गई है तो वो ढंग डंग 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 बजाता हुआ पूरे रास्ते जाता है ठीक है ढोलक नहीं कहेंगे इसे क्या कहेंगे हम आपकी झालर कहेंगे झालर का बेसिकली यूज आपके मतलब इसकी अवेलेबिलिटी स्कूल्स और टेम्पल्स में होती है घरों में झालर यूजुअली नहीं रखते हैं हम लोग झालर का यूज बैकुंठी और शव यात्रा में आता है दोनों का मतलब एक ही है बैकुंठी और शव यात्रा दोनों का मतलब एक ही है अगला देखते हैं घंटा हम सब जानते हैं मंदिरों में एंटर होते हैं जब टंग से बजाकर फिर अंदर जाते हैं तो इनका सबका साउंड एकदम टंग वाला है ठीक है टेम्पल्स में होता है एनिमल्स के वॉर के टाइम पे एनिमल्स के गले में दी जाती थी ये घंटा ताकि वो जब चल के आए तो हमें आवाज आए है ना टोकरा दैट इज द बिग घंटा दैट इज ऑल्सो इन बड़ा वाला घंटा अक्सर टेम्पल में होता है। शिखर दे uh, kind of तो है घंटा है में बजाने वाली घंटी जो अपने पास में होती है उसको हम क्या कहते हैं घंटी कहते हैं ना अरे मंदिर में घंटी रखी लिया घंटा कहते हैं ठीक है टोकरियो right? टोकरियो वीर घंटी की तरह ही होता है तोकरियो। तोकरियो

टंग टंग टऐ ऐसे जो वो बचता है दैट इज दी मंडल दिस इज बेसिकली इन दी टेम्पल्स और ये जो इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करता है वो आरती के टाइम पे काम आती है मंजीरा हम सबने देखे हैं छोटी छोटी कटोरियां होती है हाथ में और इसको ऐसे ऐसे करके बजाया जाता है राइट right? मंजीरे आप लोगों ने बजाए होंगे मंजीरा एक टाइप ऑफ राजस्थान फोक इंस्ट्रूमेंट है दे आर लाइक बॉल्स अटैच विथ बॉल्स अटैच विथ थ्रेड तो ये बॉल्स हैं कटोरियों की तरह आकार में हैं और जिसके आगे थ्रेड या धागा बांधा हुआ है कामर एक्ट की वुमेन अक्सर तेरा ताली नृत्य करते समय पूरे शरीर पर तेरह मंजीरे बांधती है अगर आपको याद हो तो अब जैसे वो मेरे बगल में है तो मैं उसके मंजीरे पे मेरा मंजीरा बजाऊंगी और वो मेरे मंजीरे पे इधर बजाएगी ये सॉर्ट ऑफ मंजीरे आपकी पूरी बॉडी में बचते हैं लगते हैं और ये कौन सा डांस होता है तेरा ताली डांस ठीक है कामर सेक्ट की वुमेन ये डांस परफॉर्म करती है क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है आगे भी फिर आता है झांझ अच्छा मंजीरा तो छोटा होता है झांझ होता है इतना बड़ा इतनी बड़ी दो कटोरियों को आपस में पीटना झांझना है ना दैट इज ऑल्सो यूज इन ओनली ड्यूरिंग दूरिंग आरती दिस इज कच्ची घोड़ी डांस इन शेखावटी उस कच्ची घोड़ी डांस को जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हम झांझ के म्यूजिक के कर, के ऊपर ऊपर परफॉर्म करते हैं ठीक है झांझ वो परफॉर्म किया जाता है नेक्स्ट इज थाली अभी किसी के भी घर में बेटा होता है तो क्या बजाते हैं थाली पीटते हैं ना छत पे जाके कि हमारे तो आज लड़का हुआ है दिस इज अ ट्रेडिशन एज वेल एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थाली पीटना बेसिकली आप देखें तो ये ब्रॉन्स की थाली थालिया प्लेट होती है भील्स और कालबिलिया यूज करते हैं चरी डांस में यूज किया जाता है ये ढोल थाली जो अपना डांस होता है ढोल फिर थाली बजती है त्थक 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 त। त्थक त। साउंड आता है थाली वाला उसमें भी ढोल थाली डांस में भी आपकी थाली यूज की जाती है और बेबी बॉय के बर्थ के टाइम भी थाली यूज करते हैं नेक्स्ट ये चिमटा और छिपिया हाथ डाल के और झनझन करके बजाना होता है इस छिपिया को और चिमटे को इस तरह से ये बजाया जाता है यहाँ पे आपकी हाथ डालते हैं ठीक है टोंग्स ये हैं और टोंग्स पे ये मेटल के वो जो अ मंजीरे वाले हैं ना वो लगे हुए होते हैं तो बिल्कुल ये इसी तरह से बजाए जाते हैं सर टोंग्स विद म्यूजिकल साउंड्स एंड आयरन ब्लेड्स राइट तो ये भी आप याद रखेंगे चिमटा या छिपिया हाकड़ जैसे आपने देखा होगा ये क्या है साकल है साकल ऐसी होती है ना चेन एक तरह से ठीक है आपस में सांकड़ बजाना बहुत बड़ी सांकड़ सी होती है उसको आपस में बजाना है हाकड़ तो वो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली गोगा जी के मेले में बचता है तो ये इंस्टेंट आप से याद रखिएगा घुघरू घुंघरू तो हम सबको पता है पैरों में पहन के ना ये पग घुरू घुघरू बांध मीरा नाची तो बिल्कुल पग घुंघरू घुघरू पैरों में बांधने का इंस्ट्रूमेंट होता है और इसके अंदर मेटल का होता है अंदर स्टोन या मेटल का ही बॉल डाला जाता है कि जब आपका मूवमेंट होता है तो वो अंदर वाला बॉल मेटल या स्टोन टकराता है मेटल पे और फिर आपका साउंड क्रिएट करता है पैरों में बांधने वाले होते हैं

वेस्ट पे बांधा जाता है ये भी एक पतली लड़के अंदर ही आपके घुरू अटैच होते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं करताल करताल है नारद जी नारायण नारायण राइट तो नारायण जी क्या बजाते थे करताल बजाते थे यहाँ मैंने बोला है करताल खड़ताल नहीं बोला करताल वुडन के ऊपर बीच में जगह होती है और यहाँ पे दो मेटल स्ट्रिप्स लगी हुई है खड़ताल भी दिखाऊंगी खड़ताल पूरी वुडन की होती है रामझोल एक लेदर बेल्ट होती है जिसके ऊपर आपके घुंगरू सॉर्ट sort ऑफ of लगे हुए होते हैं ठीक है दिस इज टाइड ऑन ऑन द द नीज लेग्स डांस में यूज की जाती है और कैमल्स के ऊपर भी बांधी जाती है कैमल्स के ऊपर भी जाती है कि वो चले तो उनका मूवमेंट हमें सुनाई दे देर डांस का नाम याद रखेंगे आप रमझोल्स राइट नेक्स्ट इज लेजिम ट्राइब बजाता है लेजिम तो बहुत फेमस है आप लोगों ने देखा ही होगा लेजिम तो है ना चलो नेक्स्ट बैंगल्स भैया चूड़ियां भी आवाज करती है कुछ कुछ डांस ऐसे हैं जिसमें चूड़ियों की खनखन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का काम करती है ठीक है चूड़िया वेरी इंपॉर्टेंट है डांडिया आप सबको पता है अभी मैंने करके दिखाया था आपको ठक 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 ये घूमर में भी काम आता है आपका गरबा में भी काम आता है आपका और गैर डांस के अंदर भी काम आता है आपका राइट चलो नेक्स्ट देखते हैं खड़ताल मैंने कहा था खड़ताल क्या थी आपने पीछे देखी वो लकड़ी के साथ मेटल था ये सिर्फ लकड़ी है ठीक है ये सिर्फ कट 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 वाला साउंड आता है वैसे कट कट छन छन कट कट छन छन साथ में आता है ठीक है तो दिस इज वुडन बेस्ड सधन राजस्थान में यूज होता है और लंगा सिंगर्स जो मांगणियार लंगे गाते हैं ना लंगा जो गाने होते हैं तब तो ये बहुत फेमस आपके काफी चल रहे हैं। कदे आओनी बदीला मारे देश जोवा थारी बाट घणी तो लंगे गाते मेल गाते हैं वो खड़ताल म्यूजिक पे गाते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खड़ताल के बाद में भरनी तो भरनी क्या होती है? आपके अर्दन आपके अर्दन पॉट यानी कि मटके के ऊपर एक प्लेट जाती है। उसका एक किया जाता है अलवर भरतपुर साइड का ये इंस्ट्रूमेंट है तो आई होप गाइज आप लोगों को सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इजीली क्लियर हो गए होंगे खड़ताल करताल में डिफरेंस झांझ मंजीरे में डिफरेंस घुंघरू में डिफरेंस भैरू जी का घुंघरू क्या होते हैं उसमें डिफरेंस ये सब चीजें आपका रमझोल क्या होता है कौन सी ट्राइब मंजीरा कौन सी ट्राइब की वुमेन पहनती हैं, कौन सा डांस परफॉर्म करते टाइम पहनती हैं, झांझ कब बचता है कौन से रीजन में बचता है ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ पे आ गए हो तो अगली क्लास में मिलेंगे एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ में गाइस तब तक, तक के लिए जुड़े रहिए सम्यक सिविल सर्विसेज इंग्लिश पर मेरे साथ में डेली एक नई क्लास के साथ थैंक यू सो मच गाइस कीप डू लाइक द सेशन शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट व्हाट यू लाइक द मोस्ट अबाउट दिस वीडियो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे सी यू वेरी सून